दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। साथ में जो है उसमें पूछा गया, यहाँ पे जो है ये माध्यमिक शिक्षा के यहाँ पे जो है डॉक्टर पल्लवी जी पटेल जी ने कहा है कि जो है क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यहाँ पर जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है कि राजकीय विद्यालयों में, यहाँ पर देखा है कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षक, लाइब्रेरियन, प्रधानाचार्य, अनुदेशक हैं, अनुवेश सेवक के पद जो हैं वर्तमान में कितने रिक्त हैं और क्या सरकार उक्त जो है पदों को नियुक्ति करेगी, यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं, इसका जो है ये जवाब जो है वो दे दिया गया है। इसमें जो है 11,094 पद हैं, इसके अंतर्गत पुरुष के इसमें जो है 2540 पद हैं, महिला के आपके 1412 पद हैं, मतलब पूरा रिक्त पदों का ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है ना मंत्री जी ने यहाँ पर जो है ये, जिसके अंतर्गत आपका जो है ये लाइब्रेरियन के 11 पद हैं, ये वहीं पर जो है ये आपके प्रधानाचार्य के 426 पद हैं और साथ में अनुदेश इसमें जो अनुसेवक के जो हैं 3132 पद है। जी हाँ, उन्होंने कहा हम भर्ती करेंगे और यहाँ पे बताया गया शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में जो है सीधी भर्ती है तो रिक्त पदों का जो अध्याचन उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग को जो है प्रयागराज को प्रेषित वो किया गया, प्रेषित जो है ये, तो मतलब क्या खुशखबरी आ चुकी है इसमें जो है ये उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग को इसका अध्याचन भेज दिया गया, प्रेषित हो चुका है। और यहाँ पर लिखा राजकीय इंटर कॉलेज में जो है लाइब्रेरियन के पदों पर जो है वो चयन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो साथ में उन्होंने कहा है कि जो है यहाँ पर अनुसेवक के जो रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग द्वारा भरे जाने की व्यवस्था जो है, जिसके जो है क्रम में नीति इसमें निर्धारण की कार्रवाई गति में आना है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ये मंत्री जी ने भी अब तो है जवाब दे दिया गया है कि राजकीय इंटर कॉलेज के अंतर्गत जो चपरासी भर्ती आएगी वो बहुत जल्द आएगी, ठीक है। और साथ में जो है प्रवक्ता के और कितने कितने पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, कितने पद रिक्त हैं और कितने पद इसमें वर्तमान में वो खाली हैं, वो सबका ब्यौरा मंत्री जी ने दे दिया है और बोल दिया गया उत्तर प्रदेश लोकसभा को जो है अध्याचन जो है आपको प्रेषित कर दिया गया प्रयागराज में। यहाँ पर जो है ये इसमें जो है वो हो चुका है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने एक शिक्षा विभाग में भर्ती के बारे में बताया था कि इसका फॉर्म मत भरना, तो इस भर्ती का फॉर्म बिल्कुल भी ना भरें, ये फर्जी व्यक्ति है भर्ती, सॉरी आपकी भर्ती निकाली गई थी यहाँ पे जो है ये है ना, तो ये बिल्कुल भी फॉर्म ना भरें, मैंने आपको बताया था कि ये फर्जी नियुक्ति है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसे मांग रहे हैं और पैसे संविदा की नौकरी में नहीं लगते हैं, सीधी सी बात ये है, मैंने जानकारी प्राप्त करी है ना, तो प्लीज़ ये वाला फॉर्म मत भरिएगा। साथ में जो आपने देखा यहाँ पर जो है वो लिस्ट आउट हो चुकी है, मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये लिस्ट है, यहाँ पर जो है ये उन्नाव से आपका हो गया ये है, आपका लखीमपुर खीरी हो गया ये, तो यहाँ पर जो लिस्ट आउट हो चुकी है तो वो लिस्ट देख लीजिए। यहाँ पर लिस्ट दिखाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा भाई आपको, अभी आपने दोपहर का वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में, मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल प्रूफ के साथ वीडियो बनाया और मैंने आपको जो है वैकेंसी दिखाई भी है, यहाँ पर आपका लैब अटेंडेंट, चौकीदार, स्वीपर, क्लर्क, चपरासी और फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती आ चुकी है। दोपहर का वीडियो जिसने देखा होगा वो हैं, उन्होंने कमेंट भी किया सर बांदा से भी है, बांदा से भी वहाँ भर्ती निकाली गई, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो है ये जो है, और यदि आपको विश्वास नहीं होता तो यहाँ पर भी देख लीजिए, प्योन भर्ती जो आ चुकी है आपका जो है ये, इसके बाद क्लर्क भर्ती भी आ चुकी है, 16,800 रुपये सैलरी है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर देख लीजिए आपका जो इलाहाबाद का है ये जो है, साथ में जो है ये देख लीजिए, यहाँ पर चौकीदार हो गया, यहाँ पर जो है ये सफाई वाला हो गया, एम्बुलेंस ड्राइवर हो गया, क्लर्क हो गया, यहाँ पर देख लीजिए सैलरी सबकी फिक्स है, यहाँ पर देख लीजिए सैलरी सबकी फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। और ये वैकेंसी जो निकाली गई कहाँ से निकाली गई, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पे जो है ये प्रयागराज, देख लीजिए यहाँ पर जो, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है ना, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर जो है ये अभी इसकी डेट चल रही है ना, 23 फरवरी तक इसके अंदर फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर फॉर्म भरना कैसे, मैंने आपको बताया था, ऑफिशियल वेबसाइट को ध्यान में रखिएगा भाई, हर जिले से भर्ती निकाली गई है यहाँ पे, इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लीजिए, ठीक है। और पूरी जानकारी के लिए भाई ऐसा करो दोपहर का वीडियो देख लीजिए, बार बार मैं नहीं दिखा पाऊँगा भाई, मैंने अभी आपको जो है दो जनपद दिखाए थे, यहाँ पे देख लीजिए पूरा लिस्ट यहाँ पे डाला हुआ, नाम और फादर नेम, सीरियल नंबर दिया हुआ है ये, अनिल कुमार है, प्रेम है ना, प्रेम बहादुर है ये, अजीत सिंह है ये, ठीक है, ये पूरा लिस्ट यहाँ पे डाला हुआ है, देख लीजिए, ठीक है, जितना लिस्ट हैगा 50 बच्चों का लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, उतने बच्चों का लिस्ट यहाँ पे आउट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये सलमान अली हो गया, अनुज कुमार हो गया, यहाँ पर जो है ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर पूरा लिस्ट यहाँ पर जो है वो डाला हुआ है, ये यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, और यहाँ तक ये देवेंद्र सिंह तक यहाँ पे जो लिस्ट डला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं अपना नाम जो है ये, चपरासी भर्ती की बात चल रही, संविदा की जो है चपरासी भर्ती जो आई थी वो इसकी बात चल रही, ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्द इनको जो इलेक्शन से पहले दे दिया जाएगा। जैसा कि सरकार ने जो है आपसे वादा किया था कि हम जो हैं
आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है फरवरी में सक्रिय हो जाएगा, नया आयोग, ठीक है। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो आवेदन को इसकी वो स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी। पर अभी जो है कहने मतलब क्या, नए आयोग के चक्कर में जो है अशासकीय सहायता प्राप्त जो स्कूल होते हैं वहाँ पर भर्तियाँ फंसी पड़ी, बाकी अंदर भर्तियाँ जो हैं फंसी हुई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो है ये। पर जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक आपका आयोग गठित नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लिख के ले लीजिएगा यहाँ पर जो क्लर्क भर्ती आपकी जो भर्ती वो अटकी पड़ी, इसीलिए अटकी पड़ी है कि जब तक आयोग नहीं सक्रिय रहेगा भाई शिक्षक भर्ती इससे हो रही है, और यूपी SSSC के द्वारा जो इंटर कॉलेज माध्यमिक जो इंटर कॉलेज में क्लर्क भर्ती चल रही थी वो इसी की बदलत चल रही थी। आयोग बन जाएगा तुरंत काम हो जाएगा, ठीक है। और एक केस चल रहा है उसका जो है मैनेजमेंट वाला, कि साहब SSSC को आधार पर होना चाहिए और पैट को हटाना चाहिए, बहुत सारी रिट लगी है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 रिट डल चुकी है कोर्ट में, है ना, पर वो कुछ नहीं होने वाला, वही चीज़ है इसमें जो है ये। और यहाँ पर जो बताया गया इसमें जो है ये 7 मई में जो है ये 5वीं पास जो है बन सकेंगे विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ठीक है। तो प्रदेश के अंतर्गत आपने देखा होगा यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर आउटसोर्सिंग माध्यम से भर्ती होगी, और जो है भर्ती के लिए 5वीं पास होने के साथ जो है इसमें हिंदी में लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए बस केवल। और ये भर्ती इलेक्शन से पहला कराई जाएगी, शासन ने जो है इसकी ओर से संबंध जारी कर दिया गया, ठीक है। आउटसोर्सिंग के द्वारा भर्ती करानी इसमें कराई जाएगी यहाँ पर जो है। साथ में आपको लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, परिचारक हो गया आपका, चौकीदार हो गया, संदेश भाग आप सभी चपरासी हो गया, ये जो है 5-5 आउटसोर्सिंग के द्वारा भर्ती कराई जाएगी यहाँ पर, मैंने आपको बोल दिया। भर्तियाँ आप सभी जानते हैं संविदा वाली जो होती हैं, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं, है ना, राजकीय इंटर कॉलेज, या फिर जो आपका एडेड कॉलेज होते हैं वहाँ पे 11 महीने के लिए आपको रखा जाएगा, और यहाँ पे जो है शासन की अनुमति से अधिकतम जो 3 साल तक इनको रखा जाएगा, क्योंकि ठेकेदार की भर्तियाँ होती हैं आप सभी जानते हैं, ठेका जब खत्म हो जाता तो भर्ती समाप्त हो जाती है, वही चीज़ में बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये देख लीजिए यार, दोपहर का वीडियो संविदा पर जो है ये आपका जो है भर्ती आ चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ रियल दोपहर का वीडियो, ये थंबनेल देख लीजिए, यहाँ पर दोपहर का वीडियो पड़ा हुआ है 3:30 बजे का, मैंने अपलोड किया था वहाँ पर जो है ये 4-5 जनपदों से भर्ती आ चुकी है महाराजगंज जिले का, बताइए सर महाराजगंज जिले में चपरासी भर्ती है, स्वास्थ्य विभाग में निकाली गई है भाई, देख लीजिए यहाँ पर जो है ये फरुखाबाद से तो पीछे आई थी, आपने साथ देखा नहीं होगा सर, मेरठ में कब आएगी भर्ती, मेरठ में आ जाएगी। आपदा मित्र भर्ती का फॉर्म कहाँ से मिलेगा, एक मैंने बोला कि भाई आप अगर वीडियो पूरा देखते तो आप सवाल ये ऐसा करते ही नहीं, बेतुका सवाल है ये कि फॉर्म कहाँ से मिला, मैंने आपको बोला भाई आपदा प्रबंधन एक आयोग है जो आपके हर ज़िले में होता है, जैसे DIOS होता है, जिला विद्यालय निरीक्षक होता है, ऑफिस होता है, तो आपदा प्रबंधन ऑफिस में जाके ये वाला फॉर्म ले लीजिए, भर दीजिएगा, 48 जनपदों से भर्ती निकाली गई आप सभी जानते हैं यहाँ पर। तो जो है इस तरीके से मैनेजमेंट कॉलेज में कब होगी भर्तियां, मैनेजमेंट कॉलेज में लिस्ट दिखा तो दी है भाई मैंने, इसमें भर्ती चल रही माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो एडेड कॉलेज में जो है संविदा पर चपरासी भर्ती जो आई थी वो चल रही, इसमें जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्तियाँ चल रही थी उसमें जो है ये मुख्यमंत्री जी उनको लेटर देंगे, रोजगार मेले के थ्रू जो भर्ती निकाली जाती है वो जो है, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये इस तरीके से आदेश भी जारी कर दिया गया है। चैनल पर अगर नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करियर प्लस, थैंक यू वेरी मच।